की सबसे बड़ी अदालत में चल रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुकदमे में जहां अब फैसले का वक्त करीब आ रहा है, वहीं इस मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर मामले पर राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि अयोध्या के संत न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वेदांती ने कहा कि संतों को पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय रामलला के पक्ष में फैसला देगा। वेदांती ने दावा करते हुए कहा कि न्यायालय को पता है कि जहां रामलला विराजमान है उसके नीचे नासा के उपग्रह ने बताया था कि वहां पर भगवान शंकर का मंदिर है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में भी यह साबित हो चुका है कि वहां पर पहले मंदिर था। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए वेदांती ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले कुछ न कुछ जरूर होगा। राम मंदिर पर फैसले को लेकर जिला प्रशासन के अलर्ट होने पर वेदांती ने कहा कि जिला प्रशासन हमेशा से तैयार रहा है और फिर इस बार तैयार है। उसे लगता है कि फैसला आने वाला है, इसलिए किसी भी अनहोनी के लिए जिला प्रशासन तैयार है। कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाते हुए वेदांती ने कहा कि कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल व राजीव धवन मुकदमे को टालने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं चाहते कि राम मंदिर मामले पर जल्द फैसला आए। है कि न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने जो निर्णय लिया है कि हम 18 अक्टूबर तक सुनवाई करेंगे। न्यायालय को पता है कि जहां राम लला विराजमान है उसके नीचे नासा के उपग्रह ने देखकर बताया था कि उसके नीचे शंकर भगवान का मंदिर है और वहां शंकर भगवान विराजमान है। नासा के उपग्रह ने देखकर बताया था राम जन्मभूमि नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने खुदाई करवाया तो उसके नीचे भी दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ तक कि 12 भगवान मिले, माने स्वर की मूर्ति मिली, और 14 कसौटी के खंभे जो बचे थे, 84 कसौटी खंभे पर विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था, 14 कसौटी खंभे बाबर मीर बाकी के द्वारा तोड़वा नहीं पाया। तब उस समय 14 जो कसौटी खंभे थे उनमें जो चिन्ह मिले हैं, जिसको मैं सन 2005 में हाई कोर्ट के जजों के सामने बताया था, नक्शा को देख करके, देखिए स्तंभ 14 स्तंभ हैं जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, मनीश्वर की मूर्ति, धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, ये सब हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे। इन सभी चिन्हों को और पूर्व में दिए गए हम लोगों के बयान को सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने ठीक से देखा है, और देखने के बाद अयोध्या के इतिहास को खंगाला है कि अयोध्या की भूमि पर बाबर नाम का कोई मोहल्ला नहीं है, बार्ड नहीं है, चौकी नहीं है, थाना नहीं है, बाबर के नाम पर कोई घाट नहीं है, राम के नाम पर राम कोट है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि थाना है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि चौकी है, राम के नाम पर अयोध्या में राम घाट बार्ड है, राम घाट है, दशरथ घाट है, कौशल्या घाट है, बाबर के नाम पर फैज माने अयोध्या जिले में कहीं कोई चिन्ह नहीं है, इसको भी माननीय जज लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, इसको भी जज लोग जानते हैं। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जजों का निर्णय रामलला के पक्ष में आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश गोगोई जी 17 नवंबर को रिटायरमेंट होने वाले हैं, उसके पहले कुछ न कुछ निर्णय रामलला के पक्ष में आएगा ऐसा।